हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन अब हांसुर ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना फर्स्ट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। इसमें आपको मैं वर्किंग ऑफ एक्सपेरिमेंट बात की थी मैंने आपको पिछले वीडियो क्लास में कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए अपन कौन सा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट यूज में लेंगे। इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट वर्किंग करता है इसके बारे में अपन पूरी चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। जनरली मैंने आपको पिछली क्लास में इंट्रोड्यूस करवाया था दिस एक्सपेरिमेंट या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज गिवन बाय जे.जे. थॉमसन इन 19th सेंचुरी। क्लियर। जनरली गैसेज आ तो गैसेज होती है वो लो प्रेशर पर क्या होती है, पोर कंडक्टर होती है। गैसेज जो होती है वो लो प्रेशर पर क्या होती है, पुअर कंडक्टर होती है। क्या होती है बेटा, पुअर कंडक्टर होती है जो गैसेज होती है। अब बात आती है कि गैसेज क्या, मीनिंग क्या है यहाँ पर। अब देखिए अपन बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन की। इसके बात कर रहे हैं अपन इलेक्ट्रॉन की, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कोई भी पार्टिकल है चाहे वो गैसेज है, लिक्विड है या सॉलिड है, किसी न किसी वो एटम से फॉर्मेशन हुआ है। क्योंकि आपका जो मैटर है वो छोटे से छोटे पार्टिकल से फॉर्मेशन हुआ है, जिसको अपन ने एटम नाम दिया है, और उसी एटम में कहीं ना कहीं क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर गैसेस के लिए अपन बात करेंगे, जो गैसेस है वो आपके लो प्रेशर पर क्या होती है, पुअर कंडक्टर होती है। अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक 50 सेमी लॉन्ग सिलेंडर शेप के क्या लेंगे, डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे। क्या लेंगे बेटा, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंडर शेप की क्या लेंगे अपन, डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे। इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या फिल कर रखी है अपन ने, वैक्यूम पंप से गैस फिल कर रखी है। अगर रखी है वैक्यूम पंप से गैस फिल कर रखी है। क्लियर। उस गैस को अपन यहां पर निकाल सकते हैं इस तरीके से। क्लियर। और ये पूरी तरह से पैक है, इसमें टू मेटलिक वायर इससे हाई वोल्टेज से क्या कर रखे हैं अपन ने, कनेक्ट कर रखे हैं। जब इसमें अपन क्या करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं बेटा, इसमें प्रेशर इंक्रीज करते हैं, उस कंडीशन में यहां पर क्या होता है, इस एंड से कैथोड एंड से कुछ रेज आपकी क्या होती है, एलिमिनेट होती है। रेस क्या होती है आपकी, एलिमिनेट होती है। जब इसमें अपन क्या करते हैं, हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं बेटा, हाई वोल्टेज अपन यहां पर अप्लाई करते हैं। तो इन रेज को यहां पर क्या नाम दिया गया आपका, कैथोड रेज नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया आपका, कैथोड रेज नाम दिया गया। जनरली बात करते हैं अपन यहां पर कि आपकी ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इस डिस्चार्ज ट्यूब इससे हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर रखता है। जब आपका हाई वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई किया जाता है, उस कंडीशन में गैसेस क्या करती है, कैथोड एंड से कुछ रेज क्या करती है, प्रोपोगेट करती है। उस रेज क्या करती है, प्रोपोगेट करती है, और इन रेज को अपन क्या नाम देंगे, कैथोड रेज। क्या नाम देंगे बेटा इसमें, कैथोड रेज। और जो इसका प्रेशर आपका जो कंट्रोल किया जाता है वो किससे किया जाता है आपका, वैक्यूम पंप से। और यहाँ पर जो ये डिस्चार्ज ट्यूब है इसका एक नाम और है, और ये नाम किसने दिया था, क्रुक्स जो साइंटिस्ट हुआ था उसने दिया था। तो इसको अपन कहेंगे क्रुक्स ट्यूब। क्या नाम देंगे बेटा इसको, क्रुक्स ट्यूब नाम देंगे। क्या नाम देंगे बेटा, क्रुक्स ट्यूब नाम देंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट में आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो कैथोड रेज है, ये कैथोड रेज किस एंड से निकल रही है आपकी, नेगेटिव एंड से। किस एंड से निकल रही है आपकी, नेगेटिव एंड से। और नेगेटिव एंड से निकलने की वजह से आपके यहां पर इनको आगे चल के अपन क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रॉन नाम देंगे। उससे पहले मैं आपको कैथोड रेज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पर ये जो रेज निकल रही है, इन रेज को आइडेंटिफाई करने के लिए यहां पर, इन रेज को आइडेंटिफाई करने के लिए यहां पर एक लेयर यूज की गई,
लेयर यूज की गई किसकी, जिंक सल्फाइड की। किसकी लेयर यूज की गई बेटा, जिंक सल्फाइड की लेयर यहां पर यूज की गई। इस जिंक सल्फाइड की लेयर में, इसकी बात कर रहे हैं अपन, इस जिंक सल्फाइड की लेयर में कुछ स्पोर नजर आया अपने को। क्या है बेटा, कुछ स्पोर नजर आया, वो किसके थे, आपके कैथोड रेज से। तो इस ट्यूब में अपन को पता लग गया कि कोई रेज आपके कैथोड से एनोड की ओर क्या हो रही है, आपकी प्रोपोगेट हो रही है। और उन रेज को अपन क्या नाम देंगे, कैथोड रेज। ये कहां से आपकी इंड्यूस हुई है, कैथोड एंड से इधर जा रही है आपके एनोड की ओर, और नेगेटिव एंड से आपकी क्या हुई है, इंड्यूस हुई है। तो आगे चल के इनको अपन क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रॉन नाम देंगे। इनके थोड रेज को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन ने इस ट्यूब में क्या लगा रखा है, जिंक सल्फाइड। क्या लगा रखा है, जिंक सल्फाइड की एक अपन ने लेयर लगा रखी है। इस लेयर पर कुछ स्पॉट अपन को यहाँ पर नजर आ रहे हैं, स्पॉट नजर आ रहे हैं, तो अपन को क्लियर हुआ है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई रेज का प्रोपोगेशन हुआ है। और ये जिंक सल्फाइड आपका क्या है, एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। जिंक सल्फाइड क्या है, एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। ये मटेरियल आपका क्या करता है, कोई रेज की प्रेजेंस में स्पॉट अपन को अपीयर होते हैं। क्या होते हैं, इसमें स्पॉट अपीयर होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी मैं थोड़ा सा इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में दो क्लास का मैटर आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है। ये वीडियो आपको दो दिन तक मिलेगा। क्लियर, दोबारा आप एक्सप्लेन कर लीजिए, ये आपकी पूरी पूरी कंप्लीट किया है। डिस्चार्ज ट्यूब है, इस डिस्चार्ज ट्यूब को अपन दूसरा नाम क्या दे देते हैं, क्रूस ट्यूब। क्लियर, ये किससे कनेक्ट है आपका, वैक्यूम पंप से, जहां पर इसका प्रेशर क्या है अपन ने एडजस्ट कर रखा है। इसमें क्या लगा रखे हैं अपन ने, टू मेटलिक वायर, जो किससे कनेक्ट हो रहे हैं आपके, हाई वोल्टेज से कनेक्ट हो रहे हैं आपके, हाई वोल्टेज से। जनरल प्रेशर पर आपकी जो गैसेज होती है वो क्या होती है, आपकी पुअर कनेक्टर होती है। गैसेज क्या होती है, आपकी पुअर कनेक्टर होती है। जब आपका हाई वोल्टेज क्या होती है, हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, तब यहाँ पर इसमें गैसेज कंडक्टिविटी शो करने लग जाती है। गैसेज कंडक्टिविटी शो करने लग जाती है, उस कंडीशन में इस वाले इलेक्ट्रोड से कुछ रेज क्या होती है, एलिमिनेट होती है। तो रेज एलिमिनेट होती है, इन रेज को अपन क्या नाम देते हैं, कैथोड रेज। क्या नाम देंगे बेटा, कैथोड रेज। क्यों, क्योंकि ये आपके किस एंड से, कैथोड इलेक्ट्रोड से आपकी क्या हुई है, इंड्यूस हुई है। अब यहां पर रेज है या नहीं है उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए अपन ने यहां पर एक इसकी जिंक सल्फाइड की लेयर लगाई, राइट। ये जिंक सल्फाइड की लेयर जो है वो क्या है, फ्लोरोसेंट मटेरियल, मतलब जो आपका किसी रेज की प्रेजेंस में चमकता हुआ दिखाई देता है, किसी रेज की प्रेजेंस में चमकता हुआ दिखाई देता है, वो होता है आपका फ्लोरोसेंट मटेरियल। तो जिंक सल्फाइड की लेयर अगर लगाते हैं तो इसपे आपके अपन को चमकीले स्पॉट दिखाई देते हैं, उससे अपन को क्लियर हो जाता है किस ट्यूब के अंदर रेज का क्या हो रहा है, आपका प्रोपोगेशन हो रहा है। और इन कैथोड रेज को आगे चल के अपन क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रॉन नाम देंगे। उससे पहले मैं आपको कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हे स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको दो लेक्चर के जो नोट्स है वो आपको पूरे पूरे क्लियर हो रहे हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप डाउट सेशन में क्लियर कर सकते हो। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।